तो देखो वीज़ा किसी कंसल्टेंट ने नहीं लैके आना, ना कोई ये सैटिंग होंगी है, ये सिर्फ अहिया सुनिया गल है। किसी भी कंसल्टेंट की किसी इमीग्रेसन ऑफिसर या अंबैसी के नाल कोई सैटिंग नहीं होंगी, ये सिर्फ तुहानू अट्रैक्ट करन दे वास्ते इह जिहा अफवाहां फैलाईया जांदियां ने। आस्ट्रेलिया वास्ते 3 to 6 months पुराने फंड चाहिए होंगे 30 to 35 lakh, और एक बार तुहाडा आस्ट्रेलिया रिफ्यूजल आ गया तुसीं दोबारा उत्थे अप्लाई नहीं कर सकते स्टडी वीज़ा दे विच या विजिटर वीज़ा दे विच। स्टडी इन आस्ट्रेलिया, बहुत केसिस मैं देख रहा अजकल कि बच्चे आस्ट्रेलिया पढ़ना चाहते हैं बट उन्हों का गैप होंगे 2019 पास आउट है 12th, वो पैकेज सिस्टम च आस्ट्रेलिया लगा रहे ने। देखो मैं एक चीज़ क्लीयर करना चाहना स्टूडेंट्स नू और उन्होंने पेरेंट्स नू, आस्ट्रेलिया अगर तुसी अप्लाई करना है तो एज़ पर लॉ 2022 पास आउट होनी चाहिए 12वीं वाला बच्चा। अगर तुहाडी 12th 2022 पास आउट है तो तुसी आस्ट्रेलिया लई एलिजिबल हो। जे तुहाडी ग्रैजुएशन कीती है 5 साल का गैप एक्सैप्टेबल है, प्रोवाइडड कि वह गैप जस्टिफिकेशन तुहाडे कोल होवे। गैप जस्टिफिकेशन का भाव अगर तुसी किते जॉब कीती है सैलरी अकाउंट आनी चाहिए है, बिकॉज जदों असी आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट नूं दस्सदे हां कि 5 साल का गैप है जी, वो कहिंदे फॉर्म 16 दिओ। फॉर्म 16 उन्हां नूं मिलदा है जिन्हां की सैलरी बैंक दे विच आउंदी है। अगर तुसी कैश पे स्टब्स लगा दिंदे हो तो बहुत चांसिज़ है रिफ्यूजल दे, 99 चांसिज़ रिफ्यूजल्स आ जाते हैं। जाली डॉक्यूमेंटेशन लगाने हो, जाली डिग्रीज़ लगाने हो, जाली डिप्लोमा लगाने हो, बहुत चांसिज़ है रिफ्यूजल्स दे 99%। सो देखो वीज़ा किसी कंसल्टेंट ने नहीं लैके आना, ना कोई ये सैटिंग होंगी है, ये सिर्फ कहीं कही सुनिया गल है। किसी भी कंसल्टेंट की किसी इमीग्रेसन ऑफिसर या अंबैसी के नाल कोई सैटिंग नहीं होंगी, ये सिर्फ तुहानू अट्रैक्ट करन दे वास्ते इह जिहा अफवाहां फैलाईया जांदियां है। सो मैं तुहानू सारे स्टूडेंट्स नू और पेरेंट्स नू कहांगा कि अगर तुसी आस्ट्रेलिया ही सिलैक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीसेंट एजुकेशन होवे, देयर शुड नॉट बी एनी गैप। सैकेंड जे गैप है इट शुड बी प्रॉपरली जस्टिफाइड। प्रॉपरली जस्टिफाइड मतलब जे काम कीता सैलरी स्लिप्स बैंक च सैलरी आवे, फॉर्म 16 लाओ, फिर वीज़ा आऊगा। क्यों मैं चीज़ा कह रहा आस्ट्रेलिया वास्ते 3 to 6 months पुराने फंड चाहिए होंगे 30 to 35 lakh। देखो वो हरेक को नहीं पे होंगे, हमेशा मोस्टली लोग उसनों फाइनांस कराते हैं। 3 months वास्ते 35 lakh फाइनांस कराओ, 1.5, 2, 3, 3 lakh रुपया तुहानू देना पै जांदा है। उस तो बाद भी अगर रिफ्यूजल आ जाता तो तुसी देखो 3 lakh वो हो गया, अंबैसी फीसा हो गया, तुहाडी फीस जाएगी 4-5 lakh का, तुहाडा नुकसान हो जाएगा, जिहड़ा कि आम पता ही नहीं है, नॉर्मल अवेयरनैस नहीं है इस चीज़ की। पैकेज सिस्टम इन्ना डिवेलप हो चुका, लोग पैकेज के वीज़ा लाई जा रहे हैं, रिफ्यूजल्स लाई जाते हैं, और एक बार तुहाडा आस्ट्रेलिया रिफ्यूजल आ गया तुसी दोबारा उत्थे अप्लाई नहीं कर सकते स्टडी वीज़ा दे विच या विजिटर वीज़ा दे विच। लख तुहानू कोई कह दे जी मैं 50,000 च तुहानू आस्ट्रेलिया भेज दिना, लख दे विच भेज दिना, दैट इज़ नॉट पॉसीबल। जो तुम अगले दे ऑफिस जाओगे उन्होंने तुहाडे मूहरे एड्डी वड्डी लिस्ट रख देनी है कि आह आ चीज़ा हो रहा है जी, इन्ने पैसे लगनगे। फिर तुहानू पैकेज दे विच 50,000, 1 lakh, 2 lakh की अगर तुहानू कोई कहिंदा है कि तुहानू आस्ट्रेलिया लैके जावांगे, तुहानू जो ऑफिस जाओगे उन्होंने तुहानू पैकेज दे विच तुहाडा मन तब्दील कर देना, तुहानू माइंड सैटअप तुहाडा कर देना कि जी 14 lakh लो, शोर शोट वीज़ा लाओ। देर इज़ नो शोर शोट बिकॉज वीज़ा वीज़ा ऑफिसर ने देना। सो अगर तुहानू कोई भी गाइडेंस चाहिए हैगा आस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग, अज ही तुसी वेन्योर इंग्लिश की टीम नू संपर्क करो, कॉल अस एट 7973160270। थैंक यू।